नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए तो दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लगा झटका, अशोक तंवर ने केजरीवाल को भेजा इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को मांस मछली मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह हो जाएगी रोक। देश के 17 राज्यों में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के 1654 मामले आए सामने। अपराधियों की संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। संविधान की रक्षा के लिए कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी, शिवपाल यादव का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में नौशेरा में LOC पर लैंड माइन विस्फोट, एक जवान की मौत, एक घायल। ज्ञानवापी मस्जिद के सील बजुखाने की शनिवार को होगी सफाई। ईडी के 4th समन पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल, जवाब में लिखा इसका मकसद गिरफ्तार करना। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से 4 फ्लाइट डायवर्ट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर डाक टिकट जारी किया। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव फिलहाल टला, आम आदमी पार्टी बोली लोकतंत्र खत्म कर रही बीजेपी। गोवा सरकार ने 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। राम मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चला रहा पाकिस्तान, सामने आया टूलकिट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 5वां दिन असम के शिवसागर से शुरू हुई। महाराष्ट्र के ठाणे में MIDC के कारखानों में विस्फोट, 5 लोग घायल, दमकल की गाड़ियां मौके पर। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने अपनी बेटी के साथ गुजरात के सोमनाथ मंदिर में किए दर्शन। आज बिहार जाएंगे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, पटना में पार्टी पदाधिकारियों के संग करेंगे बैठक। घने कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें हुई लेट। पाकिस्तान ने ईरान के आतंकवादी ठिकानों पर किए हमले। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से IGI एयरपोर्ट पर कई उड़ानें हुई लेट। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खास जानकारी के लिए लगातार बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।